अच्छा ये मोटरसाइकिल जी गिफ्ट जा रही है ना सजेब नो वो इस बार भी सजेब तो गई है अगो इंशाल्लाह ताला ना जेड़ा साडा कोई भरा कारीगर टारगेट कंप्लीट कर दे ना ते इंशाल्लाह अगो मोटरसाइकिल ओदी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ जी अल फैसल मैरिज हॉल में, जो कि सहराब कंपनी की तरफ से ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जी, गुजरांवाला में सबसे मशहूर कंपनी है जो कि सहराब, जो कि पाइप और टैंकी के प्लम्बर हजरात के लिए सबसे बेहतरीन जो कंपनी है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल मटेरियल करते हैं जी, वो सहराब कंपनी के ही होता है। और ये देखें जी सामने सहराब कंपनी के ओनर आ रहे हैं जो कि गुजरांवाला से आए हैं, इनका इस्तकबाल किया जा रहा है जलालपुर सोबतिया में। ये सारा फंक्शन ज़ीशान भाई की तरफ से करवाया जा रहा है और ये इनका नाम है आपको बता देता हूँ, ये आसिम मोहम्मद आसिम बाजवा साहब और मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब, ये इनकी अपनी फैक्ट्री है गुजरांवाला में, बहुत बड़ी फैक्ट्री है और तमाम तरह आज बातें भी इनसे पूछ के आपको बताई जाएंगी। तो इनके प्रोडक्ट जितनी भी प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट होती है, इनके जितनी भी प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहें तो आप ज़ीशान भाई के पास आ जाए। उनकी दुकान का मैं नाम बता देता हूँ और इनकी दुकान के लोकेशन बता, ज़ीशान भाई की दुकान के लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ जी, नज़ फजाने मदीना अवान शरीफ रोड जलालपुर सोबतिया में ये दुकान मौजूद है। और इनकी दुकान का नाम भी मैंने आपको बता देता हूँ, इनकी दुकान का नाम है जी अल मदीना टाइल्स एंड सेंट्री की दुकान के नाम से ये मशहूर दुकान है। आप यहाँ पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, जलालपुर सोबतिया में इनकी दुकान है। तो इनका नंबर भी मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको आने में आसानी हो, इनसे रब्ता करके आइएगा। और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जी इनके पास, इनके पास टाइल्स और भी काफ़ी तमाम तर चीज़ें हैं जी इनके पास, वो भी मैं इनकी वीडियो में बना चुका हूँ इनकी दुकान की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ और इनकी पहले वाली वीडियो देखें, इसी चैनल पर मौजूद है ये वीडियो। और लास्ट स्क्रीन पर भी मैं उनकी वीडियो का लिंक दे देता हूँ और आई कार्ड बटन पर भी इनका लिंक देता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके दुकान तक आने में। तो व्यूअर अभी ले चलते हैं जी आपको सहराब कंपनी के ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब के पास ले चलते हैं जी और तमाम तरह इनसे चीज़ें पूछ के आपको बताते हैं जी क्या कहना है जी इनका। तो इनका कहना है जी आप एक लिमिट होती है पाइप, जो भी प्लम्बर हजरात एक लिमिट में पाइप खरीदेगा, इनके लिमिट है उस हिसाब से ये कुरानदाजी करते हैं और इनाम देते हैं जी। तो आज इनसे तमाम तरह पूछा जाएगा जी कितनी लिमिट होती है, कैसे ये कुरानदाजी करते हैं और क्या क्या इनाम देते हैं जी लोगों को, ये तमाम तरह बातें इनसे पूछ के आपको बताई जाएंगी। और इस बार शाहजेब का मोटरसाइकिल निकला है जी कुरानदाजी में, जो कि सहराब कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो तमाम तरह आपको मैंने चीज़ें बता दी हैं, आप जब भी कोई पाइप वगैरह खरीदिएगा आप ज़ीशान भाई के पास आ जाएं और इनसे खरीद कर जाएं, अपना नाम लिखवा के जाएं और आपको एक लिमिट में आपको उम्रे का टिकट, कार और मोटरसाइकिल और भी तमाम तरह इनाम आपको दिए जाएंगे। आप जो भी खरीदिएगा आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, आपको इनाम दिया जाएगा। और तमाम तरह अगर चीज़ें खरीदनी है तो ज़ीशान भाई के पास आ जाएं, जो कि अल मदीना के नाम से दुकान मशहूर है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਇਪ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਨੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਦਰ ਅਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਤ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉਸ ਘਰ ਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ लेकिन जो अलाके जाने उस इलाके अपने कोई भी इलाका है इस इलाके तो आठ किसी होर इलाके जावे ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਨ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ
किसी भी किस्म की कोई भी मिक्सिंग हो, प्रिपेयर हल्का बन जाए या उसमें काफी कैटेगरीज होती हैं, उसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं होता। जो पीपीआरसी होती है ना, ये आप इस चीज को समझ लें कि ये फूड ग्रेड मटेरियल इसका होना लाजिम है। अगर ये फूड ग्रेड मटेरियल हम यूज नहीं करेंगे या कोई भी पाकिस्तान में ये यूज नहीं करेगा तो ऐसे ही है जैसे वो जहर जो है वो लोगों को दे रहा है। तो ऐसा फिर काम जो होता है वो इसलिए अलाम नहीं रहता। हमारा अल्लाह पाक पूरा यकीन है और होना चाहिए मुसलमान का, अगर इज्जत देने वाला अल्लाह ताला की जात है, इसके अलावा हमें भी वो इज्जत नहीं दे सकता। बेईमानी करके दो नंबरी करके भी इंसान इज्जत ही कमा देता है, लेकिन उसमें क्या होता है वो अल्लाह का गुनाहगार हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बीपीएससी हमने बिल्कुल जोर कर बनाया हुआ है, ये आईएसओ से पास है, प्रोसीजर से पास है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से पास है, फूड ग्रेड मटेरियल है, लाइफ टाइम गारंटी है, इसके अलावा रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। 220 तक ये जो है वो इसका बाहर प्रेशर है, प्रेशर जो है वो इसको 220 तक बाहर का प्रेशर जो है वो पास हुआ है इसका। इसके अलावा आईएसओ क्या है, आईएसओ को आप ये चीज समझ लें कि आईएसओ क्या चीज होती है। ये मैंने बोला ना आपको कि आईएसओ से पास है, या आईएसओ क्या चीज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने है क्या, ये पीपीआरसी में क्यों जरूरी दी गई है। ये इसलिए जरूरी दी गई है कि आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई भी बंदा अपने पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री जाता है तो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए बाकी लोग काफी कागजात उसको देने पड़ते हैं पाकिस्तान में। इसके साथ साथ एक चीज होती है, उसका होता है मेडिकल, पता ना आप सबका। अगर मेडिकल आपका क्लियर ना है तो क्या होगा, आवाज नहीं आ रही, क्या होता है ना यार, नहीं जा सकता। इसी तरह अगर आईएसओ से ये माल पास ना होगा तो ये फूड ग्रेड मटेरियल नहीं होगा। इसकी फूड ग्रेड मटेरियल होने की निशानी ये होती है कि आईएसओ से पास होना इसका लाजिम है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ। इसके अलावा फूड ग्रेड मटेरियल इसका होना लाजिम है, जबकि वो इसको सर्टिफाइड हो गया ये बिल्कुल 100% प्योर का माल है। इसके अलावा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं। क्वालिटी में किसी किस्म का कोई हमने चोर साइड नहीं लाया, कुछ अच्छे वे लगाए हैं, सारा मटीरियल अच्छा लगाया हुआ है। 200 अलहमदुल्ला से हम यूज कर रहे हैं, सारा मटीरियल अच्छा है। आम माल जो है वो इम्पोर्टेड लगा रहे हैं, तो काफी इधारों से पास है। आप सब लोगों से दरखास्त है हमारी कि आप भाई सब मिलते भाई एक दूसरे के सामने मिलते चलना होता है, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। सब दोस्तों के साथ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सारे दोस्त भाई इस चीज को जो है ना वो लाइक करें, जो हम अच्छे शेयर करें। और
प्लंबर सर फराज मिर्जा वसीम टीपा अजमल कोटला प्लंबर सुपैर प्लंबर खालद मलकपुर प्लंबर अवैस मलकपुर प्लंबर अवैस कोच प्लंबर वही जगवान गुलजार भोला मिर्जा जवेर ठेकेदार भाई ठेकेदार वास्ते ताड़ी हो जाती है या तो ले नंबर हो गया तेरो शाह अली रजा सांतपुर जवेद इकबाल संत प्लंबर अमानत चाचा मदक चाचा मानत चाचा अमानत अवैस तेरा शाह सर
सलमान मुनव्वर दे दें। अंसर साहब को आ गए प्लबर मदसर बोझ सूफी ये शाम सैफी साहब तुसीम फिरेवा जुनेद भट्ट साहब सही साहब निशान बलबर जूनियर प्लंबर आ गए इश्तहार प्रोफेसर अली हसन प्लंबर जेपीएस हमजा कुमार गुलजार साहब रंगपुर आसर साहब रंगपुर जनाब आसर साहब रंगपुर जी यस भैया यस भैया जो जो सदेबा से ताड़ी हो जना अच्छा ये मोटरसाइकिल जी गिफ्ट जा रही है ना सदेब नो ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਦੇਵ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਕਾਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਬਰ ਭਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ सामने
ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੋਦੇ ਮੈਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਔਰ ਦਮੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਦ ਤੁਲਾ ਪੇ ਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ।